Yeah. Assalamu alaikum everyone. This is Mahnoor, a first year MBBS student at Jinnah Medical University. So today we are going to discuss some important questions uh, of chemistry, जो कि आपकी जितने भी boards हैं पाकिस्तान के आपका सिंग board हो गया, सिंटेक्स board हो गया, पंजाब federal. Uh, हमने वो questions gather किए हैं जो कि तमाम board uh, के अंदर important हैं जो कि बार-बार पूछे जाते हैं. और uh, yes, they are important uh, in terms of your board exams. तो लेट्स डिस्कस दम सो बेसिकली आपका जो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री है उसके अंदर जो मेन दो इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स आते हैं दे आर योर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ठीक है अब उसके अलावा कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं वी हैव अवर एनालिटिकल केमिस्ट्री वी हैव इन्वामेंटल केमिस्ट्री एंड वी हैव इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री वो तीनों जो चैप्टर्स हैं ना उन तीनों के अंदर सिर्फ और सिर्फ थ्योरी है ठीक है अब उसकी थ्योरी को बस आपको याद करना होता है ठीक है जैसे फॉर एग्जांपल आपका इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री तो इंडस्ट्रीज के वर्किंग है ये सब कुछ एनालिटिकल uh, केमिस्ट्री के अंदर आपको क्वालिटेटिव और क्वान्टिटेटिव टेस्ट वगैरह इस तरह की बातें और इन्वायरमेंटल के अंदर आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग हो गया इस तरह की बातें ठीक है तो ये आपको पता है ये यही वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे होते हैं और इनको सिर्फ याद करना होता है इनके अंदर समझने वाला ऐसा सच कुछ नहीं होता तो वो तो आपको याद करना है लेकिन वो आपके एग्जाम के अंदर इतना ज्यादा वेटेज नहीं रखते एज कम्पेयर टू ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ठीक है तो हम जो आज डिस्कस करें वो मेनली ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इन को डिस्कस करेंगे बिकॉज इनका वेटेज भी ज़्यादा है और इनके अंदर समझने वाली चीजें भी ज्यादा होती हैं तो एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं जो कि आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है सो एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अगर थोड़ा सा ओवरव्यू दू तो बेसिकली प्री टेबल के अंदर वी हैव एस ब्लॉक ठीक है जो आपका ग्रुप वन ए और ग्रुप टू ए है ये दोनों मिलकर एस ब्लॉक बना रहे होते हैं और आपका जो ग्रुप ग्रुप थ्री ए से ऑनवर्ड्स ग्रुप एट ए तक आपका पी ब्लॉक होता है तो एस और पी ब्लॉक आपके रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहलाती हैं प्री टेबल के अंदर बिकॉज मोस्ट ऑफ द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फ्रॉम दीज ब्लॉक्स तो इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कह रहे होते हैं Uh, इनके क्वेश्चंस uh, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं अच्छा समटाइम्स ऐसे हो रहा होता है कि आपसे रीजनिंग पूछ रहे होते हैं और समटाइम्स ऐसा होता है कि आपसे uh, जो है ना वो डेफिनेशन uh, पूछते हैं ठीक है तो ये दोनों के दोनों आप कह लो के तरीके uh, होते हैं क्वेश्चन इज एक्सप्लेन वाई एच एफ यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड इज असिड एच सी एल यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड एज वी नो हाइड्रोजन क्लोराइड इज स्ट्रॉ एसिड ठीक है इसका जो पी एच है वो आपका होता है ऑलमोस्ट टू uh, तो इट इज एन स्ट्रॉगर एसिड लेकिन एच एफ क्योंकि हमारे हमें पता है एच एफ भी तो फ्लोरिन भी तो आपका हेलोजि का पार्ट है ना तो वाई एच एफ इज वीकर एसिड एच सी एल तो दिंग इज के जो एच एफ है उसके अंदर जो फ्लोरिन फ्लोरीन का जो आप कह लो एटॉमिक साइज है इट इज स्मॉलर देन क्लोरीन का एटॉमिक साइज दैट इज व्हाई इनका जो बॉन्ड होता है दैट इज अ स्ट्रांगेस्ट बॉन्ड बॉन्ड ठीक है इनके आपस में जो बॉन्ड होता है hf का ये स्ट्रांग होता है और जब तक कि एसिड की क्या खासियत होती है एसिड जो है वो h पॉजिटिव को यानी कि प्रोटोन को लूज करता है इन एनी एक्वस मीडियम तो जब तक एसिड एच पॉजिटिव को लूज नहीं करेगा दैट मीनस कि वो एसिड नहीं है वो अच्छा एसिड नहीं है या जितनी आसानी से वो डिसोसिएट नहीं होगा इसका मतलब है वो उतना अच्छा एसिड नहीं है तो एच जो है क्योंकि इसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि फ्लोरिन का साइज छोटा होता है इस वजह से या अपना हाइड्रोजन इतनी आसानी से लूज नहीं करता एज कम्पेयर टू एच तो सिंपल रीजन क्या है कि ड्यू टू द स्मॉलर साइज ऑफ फ्लोरिन हाइड्रोजन फ्लोराइड है स्ट्रॉन्गर बॉन्ड एच सी एल दैट इज वाई इज इट इज लेस इट इज लेस डिसोसिएबल इन एनी एक्विस्ट मीडियम ठीक है तो सिंपल ये आंसर हो जाएगा आपका कर लेंगे, तो end में हम जब भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात आए ना तो आपने एक बात हमेशा याद रखनी है के मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज ऑलवेज रिलेटेड टू योर इंटर मोलिकुलर फोर्सेज ठीक है जब जब इंटर मोलिकुलर फोर्सेज स्ट्रॉन्ग होगी तब तक बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट स्ट्रॉन्ग होगा ठीक है

बात करूं तो कैल्शियम दो इलेक्ट्रॉन्स लूज करके बाहर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी ठीक है ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी ज्यादा कैटाइन है उनके दरमियान में अट्रैक्शन ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू दोडियम सोडियम एक एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है कैल्शियम दो दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ठीक है तो क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है that is why इनका मेल्टिंग और पॉइंट क्या होगा, high होगा, हाई ठीक है? तो सिंपल रीजन है, हैव स्ट्रॉन्गर मेटालिक फोर्सेज दे हैव स्ट्रॉगर मेटालिक बॉन्ड्स देन योर ग्रुप वन ई एलिमेंट दैट इज वाई ग्रुप टू मेटल्स है नर क्वेश्चन जस्टिफाई have another नेचर ऑफ the amphoteric nature of Al2O3. भाई एम्फोटेरिक क्या होता है एम्फोटेरिक मीनस के डुअल नेचर ठीक है अब ये डुअल नेचर इन टर्म्स ऑफ पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी भी हो सकती है ये डुअल नेचर इन टर्म्स ऑफ एसिडिक और बेसिक भी हो सकती है ठीक है ए एल टू ओ थ्री इज योर एलुमिनियम क्लोरा एल्यूमिनियम ऑक्साइड ठीक है एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है ना वो एम्फोटेरिक नेचर का इस तरह से होता है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड बेसिक भी एज अ बेस भी रिएक्ट कर रहा होता है और एज एन एसिड भी रिएक्ट कर रहा होता है ठीक है जब हम इसको एच से रिएक्ट करवाएंगे तो ये क्या बनाता है एल्यूमिनियम ट्राईक्लोराइड बनाता है साथ में वाटर बनाता है यानी कि सॉल्ट और वाटर बनाता है और जब इसको बेस से रिएक्ट करवाएंगे यानी कि एन सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड से तभी ये सोल्ट और वाटर बनाएगा ठीक है तो आप अगर तो आपकी बुक के अंदर मैंशन है इसके दोनों रिएक्शन तो यू कैन राइट राइट डाउन इजिल डायरेक्ट uh, रिएक्शन अगर बुक के अंदर मेंशन नहीं है तो रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप जब बोर्ड की बात कर रहे होते हो तो आप अपनी टेक्स्ट बुक को रेफरेंस ले रहे होते हो ठीक है तो जो जो टेक्स्ट बुक uh, के अंदर मेंशन है बस उतने उतने तक ही अपना फोकस रखना उससे ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है तो आप अगर तो आपकी टेक्स्ट बुक में रिएक्शन मैंशन नहीं है तो बस आप ये मैंशन करोगे कि इट इज एम्फोटेरिक इट हैज एम्फोट नेव डिस्क्राइब देंबिलिटी ऑफ ग्रुप टू हाइड्रो ऑक्साइड्स अच्छा जी भाई हाइड्रो ऑक्साइड्स क्या होते हैं हाइड्रो ऑक्साइड्स हैं सॉल्ट बेसिकली सोल्ट है किसके आपके मेटल्स के ग्रुप वन ए के और ग्रुप टू के अब ग्रुप 2a के भी हाइड्रो होते हैं अब ग्रुप टू के हाइड्रो फॉर एक्जाम्पल हमारे पास होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड सी एच टू ठीक है हमारे पास होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एम जी ओ एच टू एंड इनका जो ट्रेंड है ना सॉल्युबिलिटी का सॉल्युबिलिटी की जहां भी बात आए इसका मतलब है कि वाटर की बात हो रही है H2O की वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी की बात हो रही है ठीक है तो इनका ट्रेंड कैसा होता है जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं जब हम ऊपर से नीचे जाएं यानी कि हमें पता है आ, आपका जो है वो We have, uh, in, इसका एक निमोनिक भी है दैट इज बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी ठीक है दैट इज योर बेरीनियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रॉन्टियम बेरियम एंड रेडियम ठीक है अब इनके अंदर जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर हाइड्रो ऑक्साइड्स तो इनकी जो सॉलिबिलिटी होती है ना वो इंक्रीज करती है ठीक है अब इसका रीजन क्या है भाई इसका रीजन ये है कि जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे जो मेटल है मेटल एटम्स हैं उनका साइज इंक्रीज होगा एज वी नो नंबर ऑफ पीरियड इंक्रीज हो रहा है तो साइज इंक्रीज होगा जब साइज इंक्रीज होगा तो उसके अंदर जो लेटेस्ट एनर्जी है जो उसका जो उस हाइड्रो की लेटेस्ट एनर्जी है वो क्या होगी डिक्रीज होगी ड्यू टू द डिक्रीज ड्यू टू द डिक्रीमेंट इन दियर लेटेस्ट एनर्जी they are दे आर हाईली सोल्यूबल ठीक है जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे मेटल uh, का साइज डिक्रीज uh, होता जाएगा metals का size इंक्रीज होता जाएगा uh, और lattice energy डिक्रीज होती जाएगी ठीक है जितनी कम lattice energy lattice energy का क्या मतलब होता है energy required to dissociate एनी आयनिक मोलिक्यूल इन टू इट्स कम्पोनेट ठीक है किसी भी आयनिक मॉलिक्यूल uh, नहीं गएंगे किसी भी आयनिक कंपाउंड को उसके components में तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है दैट इज बेसिकली यूर वॉट लेटेस्ट एनर्जी तो जितनी कम लेटेस्ट एनर्जी होगी उतना आसानी से सोल्यूबल uh, होगा है, ऐसी बात है ना जितनी कम लेटेस्ट uh, एनर्जी है उतना ईजिली सॉल्यूबल होगा वाटर के अंदर तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाते हैं लेटेस्ट एनर्जी कम होती है दैट इज वाई ऊपर से नीचे वाला और नीचे से और नीचे वाला इज हायर सॉल्यूबल देन इट्स अब मेटल ठीक हो गया अच्छा जी वाई बॉन्ड इन ऑफ एफ टू मॉलिक्यूल इज लेस देन सी एल टू मॉलिक्यूल इज लेस देन बी आर टू मॉलिक्यूल यहां पे बात हो रही है बॉन्ड इन की भाई व्हाट इज बॉन्ड इन बॉन्ड इन इज सिंपली योर बॉन्ड एनर्जी ठीक है बॉन्ड इन इज योर बॉन्ड एनर्जी अब बॉन्ड एनर्जी आपको पता है क्या होती है कि जब भी एक बॉन्ड बन रहा होता है दो एटम्स के दरमियान में तो जो एनर्जी रिलीज होती है दैट एनर्जी इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी तो आ जो फ्लोरीन का जब भी फ्लोरीन का मॉलिक्यूल बनता है जब फ्लोरीन का मॉलिक्यूल बनता है तो आ, हमारे पास कम बॉन्ड एनर्जी रिलीज, रिलीज होती है एज कम्पेयर टू जब क्लोरीन का मॉलिक्यूल बनता है इसका रीज़न क्या है भाई इसका रीजन सिंपल सा है क्योंकि फ्लोरीन का जो साइज़ है वो छोटा होता है ठीक है फ्लोरीन का साइज छोटा होता है जिसकी वजह से जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है ना वो बहुत ज्यादा करीब होते हैं और आपको पता है जब बॉन्ड बनता है तो वो आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन से बन रहा होता है जब इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा करीब है आपस में तो उनके अंदर रिपल्जन ज़्यादा होती है उस ज़्यादा रिपल्जन की वजह से उनकी बॉन्ड एनर्जी कम होती है और वो मॉलिक्यूल इजीली जो है वो आप कह लो के, के डिसोसिएट हो सकता है टूट टूट सकता है ठीक है एज कम्पेयर टू क्लोरीन क्लोरीन का साइज क्लोरिन से बड़ा होता है इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्जन है वो क्लोरिन से कम होगी इसकी वजह से इसकी बॉन्ड एंथेलपी ज़्यादा होगी इसी तरीके से ब्रोमीन का साइज़ क्लोरीन से और बड़ा होता है ठीक है तो इसकी क्या होगी आपकी जो बॉन्ड एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की रिपल्जन है वो और ज्यादा कम होगी और जितनी ज्यादा कम इलेक्ट्रॉन की रिपल्जन होगी बॉन्ड एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी बॉन्ड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा अच्छा जी तो ये तो हो गए शॉर्ट क्वेश्चंस अच्छा शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए एक बात हमेशा याद रखना कि वो शॉर्ट है तो उनको शॉर्ट ही रखा करो ठीक है अपने एग्जाम पेपर के अंदर अपनी आंसर शीट के अंदर उन क्वेश्चंस को बड़ा करने की जरूरत नहीं है फोर टू फाइव लाइंस मैक्सिमम होती है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ठीक है यहाँ या तो फोर टू फाइव लाइन्स या फिर वहां तक लिखते रहो जहां तक बात खत्म होती है हमारे टीचर कहा करते थे के uh, सवाल का जवाब वहां तक दो जहाँ तक बात खत्म हो जाए ठीक है अगर दो लाइनों में बात खत्म हो जाए तो बस दैट्स इट दैट्स नव जरूरी नहीं है कि आपने चार पांच लाइनों में जाना है ठीक है देन वी हैव लॉन्ग क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन ऑब्वियसली लंबे होते हैं आपके डिटेल्ड होते हैं जो छोटी छोटी भी डिटेल्स होती हैं आपके पास वो भी आपने बतानी होती है लॉन्ग क्वेश्चन में तो अच्छा जी देख लेते हैं हाउ बेडिलियम डिफर्स फ्राम अदर मेंबर्स ऑफ इट्स ग्रुप बेरिनियम जो है वो अपने अदर मेंबर से अपने ग्रुप के अदर मेंबर से कैसे डिफर करता है हमें पता है बेरिनियम ग्रुप टू का एलिमेंट है अभी देखा बेडिनियम जो है ना इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो अपने ग्रुप से बहुत ज़्यादा चेंज है क्यों चेंज है सबसे मेन रीजन ये है कि आपको पता है जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो एटोमिक रेडियस इंक्रीज होता है ठीक है और जब ऊपर वाले को देखेंगे सबसे ऊपर वाले एलिमेंट को देखेंगे तो उसका एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा कम होगा ठीक है तो क्योंकि उसका एटॉमिक रेडियस सबसे कम है ठीक है दैट इज वाई उसका जो आप कह लो कि एटॉमिक साइज है वो बहुत ज्यादा कम है और आयनिक साइज भी बहुत ज्यादा कम है तो बेरीनियम का एटॉमिक साइज और आयनिक साइज बहुत कम होता है दैट इज वाई इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं इसके अपने ग्रुप मेंबर से बहुत ज्यादा डिफरेंट हो जाती हैं पहली बात दूसरी बात ये कि इसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है एज कम्पेयर टू इसके मेंबर्स ठीक है और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात की जो बेरिनियम है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है जबकि आपको पता है मेटल्स मेटल्स क्या बनाएंगे ऑब्वियसली आयनिक बॉन्ड बनाएंगे मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं लेकिन बेरीलियम इट विल ऑलवेज मेक योर बॉन्ड ठीक है तो कोविलेंट बॉन्ड बनाता है बिकॉज इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है और आपको पता है कि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी किसी भी एलिमेंट के पास वो उतना ही ज्यादा कोविलेंटली बिहेव करता है एज वी नो फ्लोरिन फ्लोरिन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और फ्लोरिन क्या करता है कोविलेंटली बिहेव करता है तो आ, बेरीलियम क्या करेगा कोविलेंटली बिहेव करेगा और इसके अंदर काफी सारी डिटेल्स आप लिख सकते हो फ्रॉम योर बुक अच्छा जी आगे चलते हैं अच्छा अब मैं देख लेती हूँ क्वेश्चंस अगर आप लोगों को, कोई क्वेश्चंस हैं तो फिर आगे चलते हैं अच्छा तो आई थिंक कोई क्वेश्चंस नहीं है अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर दैट इज डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स अगेन आपका इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है जो दरमियान वाला हिस्सा होता है प्री टेबल का जो बी ग्रुप्स होते हैं वो कंस्टिट्यूट करते हैं आपके डी और एफ uh, ब्लॉक को ठीक है अच्छा जी न्यूमन क्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सेज इज मस्ट अ क्वेश्चन ठीक है जो न्यूमन क्लेचर होता है कॉम्पलेक्सेस का जो आपके मेटल्स uh, जो है वो कॉम्प्लेक्सेज बना रहे होते हैं उसमें से एक सवाल लाजमी आता है ठीक है तो उनकी आ, आप अपने रूल्स उन, उनको याद करना बहुत आसान है ठीक है बस उनके रूल्स याद कर लो और उनके रूल्स एक दफा आपने याद कर लिए है तो आपको इजीली जो है ना वो किसी भी कॉम्प्लेक्स का आप आसानी से नाम लिख सकते हो ठीक है उसके कुछ रूल्स होते हैं और उन रूल्स को फॉलो करके आप आसानी से नाम लिख सकते हो अच्छा जी शॉर्ट uh, क्वेश्चन देख लेते हैं वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरा मैग्नेटिज्म एंड डाय मैगनेटिज्म अच्छा लेट्स टॉक अबाउट मैग्नेटिज्म बेसिकली मैग्नेटिज्म क्या होता है एबिलिटी ऑफ एनी एबिलिटी ऑफ एनी सब्सटेंस टू एट्रैक्ट इन टू अट्रैक्ट और रिपल्स इन आर मैग्नेटिक फील्ड ठीक है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है वो अट्रैक्शन या रिपल्जन की सलाहियत अगर किसी मॉलिक्यूल के पास या किसी कंपाउंड के पास है तो है तो दैट इट इज मैग्नेटिक ठीक अच्छा अब आपके जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ना दे आर बेसिकली मैग्नेटिक इन नेचर बिकॉज दे हैव उनका जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके जो डी डी और वाइटल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या नाम है उनका ना वो बेसिकली वो करते हैं आपका दे बेसिकली सॉरी उनकी वजह से उनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो रही होती है यस um, yes. अच्छा तो पैरामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की अगर डेफिनेशन देफिने, बताऊं तो पैरामैग्नेटिक वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि लेस अट्रैक्टेड बाय लेस अट्रैक्टेड होते हैं बाय द मैग्नेट्स ठीक है पैरामैग्नेटिक क्या होंगे लेस अट्रैक्टिंग लेस अट्रैक्टिंग होंगे बाय द मैग्नेट्स और जो डायमैग्नेटिक डायमैग्नेटिक एलिमेंट्स होते हैं वो बिल्कुल भी आप कह लो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते यानी कि डायमैग्नेटिक क्या है बेसिकली योर आपके नॉर्मल जितने भी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नॉर्मल आपको एग्जाम्पल दूँ कॉमन लाइफ से तो प्लास्टिक ठीक है प्लास्टिक क्या होगी आपकी डायमैग्नेटिक होगी वेयर इज पैरामैग्नेटिज्म के अंदर क्या होगा कि लेस या फिर लिटिल एफिनिटी होगी टुवर्ड्स मैग्नेट अब अगर इसकी एग्जांपल दूं इन योर ट्रांजिशन एलिमेंट्स तो uh, आपका जो जिंक है दैट इज डायमैग्नेटिक बिकॉज़ जिंक जो है ना वो नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट होता है तो जिंक डायमैग्नेटिक का होता है उसके अलावा पैरामैग्नेटिक की अगर बात करूं तो वन बी से लेके आपके सेवन uh, बी तक जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो तमाम के तमाम पैरा मैग्नेटिक इन नेचर होते हैं ठीक है तो आप डिफरेंस कैसे लिख सकते हो एक चार्ट बना सकते हो ठीक है सबसे पहले डिफाइन करोगे कि पैरा मैग्नेटिज्म क्या होता है डा मैग्नेटिज्म क्या होता है फिर आप बताओगे कि भाई पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंसेज कौन सी हैं डाय मैग्नेटिक सब्सटेंसेज कौन कौन से हैं और फिर आप तीसरी जगह पे उसकी एग्जाम्पल्स uh, लिख दोगे uh, जहां तक मुझे याद है तो शॉर्ट क्वेश्चन थ्री मार्क्स के होते हैं तो अगर थ्री मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन है तो थ्री डिफरेंसेस इज आर ओके ठीक है तीन डिफरेंसेस लिखना ठीक है अच्छा देन वी हैव व्हाट आर लाइगेंड्स राइट देयर टाइप्स टू लिगेंड्स लिगेंड्स यहाँ पे लाइगेंड्स क्या होते हैं बेसिकली आपका जो मेटल होता है सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे होते हैं ठीक है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे होते हैं टू योर सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स जो है बेसिकली आपके इनको कहा जाता है लेविस लेविस बेसिस बेसिस भी कहा जाता है इनको और इनके टाइप्स की अगर मैं बात करूँ तो टाइप्स के अंदर आ जाते हैं आपके यूनिडेंटेड लिगेंड यानी कि अगर वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे तो वो यूनिड होते हैं बायोडेंटेड लिगेंड अगर वो दो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे एंड पॉलीडेंटेड लिगेंड अगर वो दो से जायद इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेंगे ठीक है अगर लिगेंड एग्जाम्पल बताऊ तो देट इज योर वाटर अमोनिया क्लोराइड ब्रोमाइड फ्लोराइड एटसेट्रा अच्छा लिगें के अंदर बेसिकली क्या करोगे सबसे पहले डिफाइन करोगे लिगेंट्स को उस, उसके बाद उसके टाइप्स लिखोगे जो मैंने बताए देन वी हैव व्हाट इज डीडी ट्रांजिशन तो डीडी ट्रांजिशन क्या होती है कि जो आपके डी के जो फाइव सब शेल होते हैं वो बेसिकली आपके स्प्लिट हो जाते हैं किसके अंदर आपके ई uh, जी में और टी टू जी में ठीक है और उसके अंदर क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजिशन होती है ठीक है इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ जाते हैं बाय अब्ज्जॉर्बिंग हीट वेव्स ठीक है बाय अब्जॉर्बिंग यूवी वी रेडिएशन और उससे होता क्या है उससे ये होता है कि ये लोग कलर कॉम्प्लेक्सेस शो कर रहे होते हैं ठीक है कलर कंपाउंड शो कर रहे होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि दे शो कलर दे शो कलर कॉम्प्लेक्सेस एंड देन वी हैव व्हाट आर टिपिकल एंड नॉट टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स भाई टिपिकल का मतलब होता है कि वो चीज जो सब तमाम प्रॉपर्टीज को होल्ड कर रही है ठीक है तो टिपिकल ट्रांजिशन एलमेंट्स सारे के सारे ट्रांजिकेशन एलिमेंट्स एलिमेंट अदर देन योर जिंक ठीक है जिंक इज योर नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट जिंक क्या करता है जिंक जो है ना, ना तो कलर कंपाउंड बनाता है ना तो वो मैग्नेटिक होता है ठीक है ना तो वो आप कह लो कि एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल हो रहा होता है यानी कि जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट में तो है लेकिन वो असल ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है ठीक है तो बाकी टिपिकल के अंदर आपके सारे आ जाते हैं क्रोमियम आ जाता है आपका मैंगनीज आ जाता है आपका वेनीडियम आ जाता है ठीक है अच्छा देन वी हैव ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर एज कैटलिस्ट एंड इन लॉय फॉर्मेशन कैटलिस्ट की तरह क्यों इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इनकी ना साइजेस बहुत बड़े होते हैं ठीक है ट्रांजिशन uh, एलिमेंट्स के साइजेस बहुत बड़े होते हैं फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर वेनीडियम है तो वेनीडियम का इतना बड़े बड़े साइजेस होंगे कि एटम्स होंगे और इन बड़े बड़े साइजेस के एटम्स के जो दरम्यान में जो जगह होती है ना इनको हम कहते हैं वॉइड्स ठीक है और इन के अंदर आके जो छोटे एलिमेंट्स होते हैं ना वो आसानी से बैठ सकते हैं अब छोटे एलिमेंट्स के अंदर क्यों भाई आपका हाइड्रोजन हो गया इसके अलावा आपका कार्बन हो गया ये आसानी से आके इस जगह पे इजीली बैठ सकते हैं और जब हम इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स को यूज करते हैं इन एनी केमिकल रिएक्शन तो होगा क्या कि आपका ये रिलीज करेंगे ये इन छोटे छोटे एटम्स को ठीक है और जब ये छोटे आइटम्स को रिलीज करेंगे तो हम इन छोटे आइटम्स को इन दियर एटोमिक फॉर्म यूटिलाइज कर लेते हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर और ये केमिकल रिएक्शन को इस तरह से स्पीड अप करते, है, करते हैं एज अ कैटलिस्ट वर्क करते हैं इसके अंदर आप एग्जाम्पल दे सकते हो वीटू ओ फाइव की वीटू ओ फाइव क्या है एज अ कैटेस इस्तेमाल हो रहा होता है इन योर कॉन्टेक्ट प्रोसेस ठीक है कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर वीटू ओ फाइव जो है वो एज एन कैटेस इस्तेमाल होता है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल होता है जब हम लोग सल्फर मोनोऑक्साइड को ऑक्सीडाइज कर रहे होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड बना रहे होते हैं ठीक है तो तब हम लोग वीटू ओ फाइव एनिडियम पेंटा इस्तेमाल करते हैं अच्छा जी आगे चलते हैं दैट इज़ ऑल अबाउट योर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इनके अंदर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं अच्छा इसके अलावा आपकी करैक्टरस्टिक्स पूछी जा सकती हैं डी एंड एफ ब्लॉक के अंदर से कि भाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स की करेक्टरस्टिक्स तो वो भी लॉन्ग में आ सकता है सवाल जैसे कि कलर कंपाउंड बनाते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके अलावा आपका कैटलिस्ट फॉर्म करते हैं अलॉय फॉर्मेशन करते हैं और उसके अलावा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं ठीक है थीके? तो ये तमाम की तमाम जो है ना वो आप कह लो कि इनकी प्रॉपर्टीज हैं इनकी करेक्टरिस्टिक्स हैं आप कह लोगे इनकी अः इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं ठीक हो गया देन वी हैव बायो केमिस्ट्री सही है बायो केमिस्ट्री इज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इसके अंदर जो है वो आपका इसके अंदर से भी एक लॉन्ग uh, क्वेश्चन एक लॉन्ग क्वेश्चन कभी कभार बन ही रहा होता है ठीक है अच्छा जी लेट्स डिस्कस इट्स शॉर्ट नंबर इज बिटवीन मोनो एंड का वर्ड इस्तेमाल होता है आपके कार्बोहाइड्रेट्स के लिए ठीक है जब भी वर्ड आ जाए सेकराइड इसका इसका मतलब है कि हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रहे हैं ठीक है कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं भाई आपकी शुगर्स होती हैं फॉर एग्जांपल स्टार्स हो गया ग्लाइकोगन हो गया और इसके अलावा आपका ग्लूकोस हो गया दे ऑल आर कार्बोहाइड्रेट्स और सेकेराइड्स सेकेराइड्स का मतलब ही शुगर है ठीक है अब कार्बोहाइड्रेट की ना ये क्लासिफिकेशन है बेसिकली मोनो पॉलीसेकेराइड्स इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। मोनोसेक्राइड में आ जाते हैं आपके ग्लूकोज फर, ग्लूकोज के अंदर इसका मतलब है कि फ्यू कार्बोहाइड्रेट यूनिट यानी कि अगर दो या तीन ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिला दूंगी तो ऑलिगोसेक्राइड बन जाएंगे और पॉलीसेक्राइड की बात करें तो बहुत सारे अगर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मिला दूं तो पॉलीसेक्राइड बन जाएंगे अगर इसकी एग्जाम्पल बताऊं तो मोनो में ग्लूकोज आ गया ओलिगो के अंदर काफी सारी एग्जाम्पल आ सकती हैं आपका राइबोज आ गया शुगर उसके अलावा आपका गैलेक्टोज आ... उसके अलावा आपका लेक्टोज आ गया सकरोज आ गया और अगर पॉलीसेक्राइड की एग्जाम्पल दूं तो आपका आ जाता है स्टार्च योर स्टार्सोगन एंड अरसोन डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे एक चार्ट बना सकते हो ठीक है सबसे पहले डिफाइन कर दो इन तीनों को उसके अलावा फिर आप इनकी आ, जो है वो एग्जाम्पल्स लिख दो उसके अलावा इनकी अकरेंस लिख सकते हो जैसे कि ग्लूकोज की अकरेंस क्या है है ठीक ग्लूकोज कहाँ पाया जाता है आ, आपका जो है वो अः रिस्पायरेटरी प्रोडक्ट है ना ग्लूकोज इसके अलावा अगर पॉलिसक्राइट की एग्जाम्पल लिखोगे भाई आपका जो अः वो है स्टार्च है वो कहाँ पाया जाता है तो जी रोटी रोटी वेजिटेबल्स के अंदर पाया जाता है एंड सो ऑन

उसके अंदर आपका आता है एडीनिन गुआनिन साइटोसिन थामिन वेर एस आर के अंदर जो नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं वो होती हैं एडीनिन साइटोसिन और थामिन की जगह यूरेसल लग जाता है इसके अलावा जो डीएनए है दैट इज ओनली वन टाइप जो आरएनए है वो तीन तरह का होता है आपके पास ट्रांसफर आरएनए होता है आपके पास राइबोसोमल आरएनए होता है और आपके पास होता है आपका मैसेंजर आरएनए इसके अलावा अगर डीएनए की अकरेंस की बात करें तो डीएनए न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है आपके सेल के अगर राइब... अगर आरएनए की बात करें तो आरएनए न्यूक्लियस में भी होता है आरएनए साइटोप्लाज्म में भी होता है आरएनए राइबोसोम्स के पास भी होता है अगेन डीएनए की बात करें तो डीएनए क्या है आपका जेनेटिक मटेरियल है ठीक है आर एन ए की बात करें तो आर एन ए बहुत सारे काम कर रहा होता है आर एन एज एन एनजाइन भी इस्तेमाल हो रहा होता है ठीक है राइबोसोम का भी कंस्टिट्यूएंट है एंड सो ऑन ठीक है तो आई गेट सिक्स डिफरेंसेस तो पूरे हो गए देन वी हैव हाउ विल यू प्रिपेयर डिस रोल फ्रॉम हाइड्रोलिस एंड सिपोनिफिकेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स अच्छा जी आपको पता है फैट्स एंड ऑयल्स क्या होते हैं बेसिकली फैट्स एंड ऑयल्स होते हैं आपके ठीक है बल्कि सॉरी वैक्सीस मैंने उल्टा बोल दिया दे आर योर ईस्टर्स ठीक है ईस्टर्स होते, है, होते हैं लॉन्ग चेन ईस्टर्स होते हैं ठीक है अब लॉन्ग चेन ईस्टर्स की हम क्या करवा दें हाइड्रोलिसिस करवा दें या फिर सेपॉनिफिकेशन करवा दें हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है कि वाटर की प्रेजेंस में उसका ब्रेक डाउन कर देना और सेपॉनिफिकेशन का मतलब होता है कि हम उसको क्या दे दें एनिवेथ सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर कैल्शियम क्लोराइड दे दें ठीक दे, है इससे क्या होता है कि आपके सोप की प्रोडक्शन हो जाती है होता यह है कि आपके जो लॉन्ग चेन ईस्टर्स होते हैं या आप एंड ऑयल्स में बेसिकली होते हैं आपके ट्राइग्लिसराइड्स ठीक है ट्राइग्लिसराइड्स का मतलब है कि ईस्टर्स तो हैं लेकिन ईस्टर्स की तीन चेन्स हैं ठीक है थ्री चेन्स ऑफ ईस्टर्स हैं अच्छा अगर मैं इसको रिमूव करूँ तो मैं यहाँ पे बना के बताती हूँ आपको वी हैव थ्री ऑफ ईस्टर्स फॉर एग्जाम्पल सी एच थ्री C डबल बॉन्ड O O एंड R देन वी हैव अगेन C H बल्कि C H टू होगा C H टू C डबल बॉन्ड O O R एंड वी हैव अगेन C H थ्री

तो एक ओएच नेगेटिव आइन यहाँ लगेगा दूसरा ओवे नेगेटिव आइन यहाँ लगेगा तीसरा ओएच नेगेटिव आइन या लगेगा और हमें क्या मिल जाएगा हमें एक प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज योर सी एच टू ओ एच सी एच बल्कि ये सी एच टू ओ एच होगा ये सी एच ओ एच होगा और ये सी एच थ्री ओ एच होगा ठीक है अब ये जो मॉलिक्यूल है ना दैट इज नोन एज ग्लिसरोल ठीक है इसको ग्लिसरोल कहते हैं तो हमने क्या बनाना था प्रिपरेशन ऑफ ग्लिसरोल करनी थी फ्रॉम फैट्स एंड ऑयल्स तो इस तरह से ये रिएक्शन होता है देन वी हैव वॉट डू यू नो अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर के बारे में क्या बताए भाई

फिर अगर उस प्राइमरी स्ट्रक्चर की आप कह लो कि दो प्राइमरी चेन्स को मैं ले लूं और एक हेलिक्स बना दूं, ठीक है एक हेलिक्स बना दूं, तो इसको हम कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर और अगर इस हेलिकल चेन को मैं फोल्डिंग कर दूं तो ये होता है आपका टर्चरी स्ट्रक्चर और अगर मैं दो से जेद हेलिकल चेन की फोल्डिंग वाले स्ट्रक्चर आपस में मिला दूं तो वो होता है आपका क्वार्टर स्ट्रक्चर ठीक है तो प्रोटीन की चार स्टेजेस होती हैं चार स्ट्रक्चर्स होते हैं आप ये लिख सकते हो साथ में प्रोटीन के स्ट्रक्चर की एग्जांपल लिख सकते हो कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो क्या होते हैं कौन कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं फॉर एग्जाम्पल हमारा जो कैरेटिन प्रोटीन है आ, उसके अंदर पॉलीपेप्टाइड चेंज होंगी और इसके अलावा आपका जो इंजाइम होते हैं जितने भी ग्लोबुलर इंजाइम होते हैं वो सारे के सारे कॉटनरी या फिर टर्शरी होते हैं एंड सो ऑन अच्छा जी कोई भी मिनरल भी आ सकता है आपका शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर ठीक है इसमें आपको ये बोलूंगी कि आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओ कि इन्जाइम एक्टिविटी को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं ठीक है और मैं थोड़ा सा वेट करती हूँ जब तक आप लोग लिख रहे हो आई थिंक आप, um, आप लोगों ने लिख लिया होगा मैं अपना एक Uh, आप क्या लोग अज्यूम करूंगी कि आप लोगों ने लिख लिया है अगर आप लोगों ने लिखा है कि दैट इज़ पी एच तो यू आर राइट अगर आप आप, लो, आप लोगों ने लिखा है कि दैट इज़ टेम्परेचर तो यू आर ऑल्सो राइट अगर आप लो, लोगों ने लिखा है कि दैट इज़ योर कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट स्लैश रिएक्टेंट तो यू आर राइट एंड आई थिंक दैट ठीक है तो इन्ज़ाइम की एक्टिविटी को कुछ फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट कर रहे होते हैं देट इज़ पी एच पी एच से इंजाइम की एक्टिविटी अफेक्ट होती है फॉर एग्जाम्पल वी हैव पेपसेंट आपको पता है पेप्सिन आपके स्टमक में होता है और टू पीएच के ऊपर वर्क कर रहा होता है ठीक है अगर मैं पेप्सिन को उठा के किसी और जगह रख दूं जहाँ पे अल्कलीन पीएच हो यानी कि एट नाइन टेन पीएच हो तो पेप्सिन कभी भी वर्क नहीं करेगा उसकी जो एक्टिविटी है वो अफेक्ट हो जाएगी ठीक है तो एंजाइम्स जो है वो क्या होते हैं एंजाइम्स सेंसिटिव इन नेचर होते हैं वो स्पेशलाइज होते हैं ठीक है वो स्पेसिफिक टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर के ऊपर रिएक्ट करते हैं अब मुझे ये भी बताओ कि वॉट इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ अवर बॉडी और अगर तो आप लोगों अगर तो आप लोगों ने लिखा है थर्टी सेवन डिग्री सेंटीग्रेड तो यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट क्योंकि हमारी बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर इज थर्टी सेवन डिग्री सेंटीग्रेड और इसके अंदर क्या होता है मोस्ट ऑफ द इन्जाइम्स जो है वो इसी टेम्परेचर के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं अगर मैं इन्जाइम्स को इससे ज़्यादा या इससे कम टेम्परेचर पर ले जाऊंगी तो भी उनकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी अफेक्ट हो जाएगी अच्छा इसके अंदर काफ़ी डिटेल है ठीक है तो इस सवाल को आप अच्छे तरीके से बहुत लंबा चौड़ा करके लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू योर बुक एज़ वेल और वैसे भी आपका अगर अगर आपने बायोलॉजी के अंदर एंजाइम्स पढ़े हैं तो उसके अंदर से भी आप काफ़ी

कुछ नंबर अगर आपको आयु पैक आता है तो आपके कुछ मार्क्स तो आसानी से गेन हो जाएंगे इसके अंदर ठीक है आ, जैसे कि और हमारा तो अब जो सिंह के अंदर न्यू बुक्स हैं उसके अंदर जो है वो आपका बकायदा तौर तो पे एक चैप्टर अलग बन चुका है आई यू पैकिनचर का और फेडरल में और पंजाब में तो पहले से मौजूद था आई गेस पंजाब में पहले से मौजूद था फेडरल में नहीं था

ग्रुप ऑफ एटम और मॉलिक्यूल दैट गिव हाइड्रोकार्बन अस्पेसिफिक नेचर स्पेसिफिक केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी ठीक है फॉर एग्जाम्पल वी हैव अवर हाइड्रोकार्बन की चेन आर ठीक है uh, जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना एक बात मैं आपको हमें बताऊँ की जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है यहाँ पर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है दैट इज बेसिकली योर डेरीवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन ठीक है ऑर्गेनिक जितनी भी है ना वो सारी, सारी की सारी डेरीवेटिव है किसकी डेरीवेटिव है हाइड्रोकार्बन की डेरीवेटिव है अब हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं भाई हाइड्रोकार्बन ये होते हैं ना आपका अल्केन अल्कीन और अल्काइन ठीक है अब अल्केन अल्कीन और अलकाइन के साथ कोई मॉलिक्यूल आके अटैच कर दू तो वो क्या होगा वो वो फंक्शनल ग्रुप होगा फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आर रेडिकल है रेडिकल क्या होता है लॉन्ग चेन ऑफ अल्केन लॉन्ग चेन ऑफ अल्केन के साथ मिला के लगा दू हाइड्रोक्सिल ग्रुप ओ एच ग्रुप तो क्या बन जाएगा एल्कोहल बन जाएगा अगर लॉन्ग चेन ऑफ अः के साथ आके लगा दू ओ आर तो क्या बन जाएगा ईथर बन जाएगा अगर लॉन्ग चेन ऑफ अल्केन के साथ लगाऊं कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और साथ में अगेन एक और लॉन्ग चेन तो कीटोन बन जाएगा अगर लॉन्ग चेन ऑफ रेडिकल के साथ आके लगा दूं कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन तो मेरे पास कार्बोक्सिलिक ऑक्सैलिक एसिड बन जाएंगे ठीक है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ ठीक है तो आपके जो है फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं कि स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक स्पेसिफिक फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर रहे होते हैं किसको आपके रेडिकल को ठीक है तो आ, अगर एग्जाम्पल दें कंटेनिंग फॉर एग्जाम्पल दें ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप की तो आपकी अल्कोहल होते हैं ईस्टर होते हैं ईथर होते हैं कीटोन होते हैं एल्डिहाइड्स होते हैं और कार्बोक्सैलिक एसिड्स होते हैं तो ये हो गए आपके फंक्शनल ग्रुप देन वी हैव व्हाट इज सीरीज राइट इट्स जनरल करेक्टर अच्छा जी सीरीज क्या है भाई सीरीज ऐसी जो कि आप कह लो कि असेंडिंग ऑर्डर के अंदर वन बाय वन बढ़ रही होती है इंक्रीज हो रही होती है ठीक है वो कैसे इंक्रीज हो रही होती है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं मीथेन की आप सबको पता है सी अगर मीथेन से इथेन की तरफ जाए सी की तरफ जाए तो कितने मॉलिक्यूल्स का डिफरेंस आता है आपका एक कार्बन और कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस आता है दिस इज फोर एंड दिस इज फाइव यानी कि वन हाइड्रोजन का डिफरेंस आया बल्कि टू हाइड्रोजन का डिफरेंस कहा जाता है सी एस टू तो होमोलोगस सीरीज के अंदर क्या होता है कि आपका सी एच टू मिथाइलिन ग्रुप का डिफरेंस आ रहा होता है अगर मैं अल्कीन की होमोलोगस सीरीज की बात करूँ इसी तरह से किसी भी होमोलोगस सीरीज की बात करो तो एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का डिफरेंस आ रहा होता है इस डिफरेंस की वजह से क्या होता है कि आपका जो सीरीज uh, है वो होमोलोगस uh, वो असेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीज करती जाती है और उसके इंक्रीमेंट की वजह से उन सीरीज के ऊपर एक स्पेसिफिक ट्रेंड uh, uh, जो है ना अप्लाई हो रहा होता है जैसे कि जैसे जैसे कार्बन नंबर इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाए

देव uh, कार्बन uh, अगर, uh, अगर शुरू से चले तो देव कार्बन एंड हाइड्रोजन जिसके अंदर कार्बन ने कोवलेंट बॉन्ड बनाया होता है अच्छा उसके बाद जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो नॉन पोलर इन नेचर होते हैं ज्यादातर इन सोल्यूबल इन वॉटर होते हैं सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट होते हैं फॉर एग्जाम्पल ईथर एंड उसके अलावा अगर बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड की तो आपका दे आर दे जो है वो एज एन फ्यूल इस्तेमाल हो रहे होते हैं अगर सोर्सेज की बात करें तो प्लांट सोर्स होता है एनिमल सोर्स होता है बेशुमार बातें आप इस पर लिख सकते हो ठीक है और इस तरह के सवाल ना ईजिएस्ट क्वेश्चन होते हैं यानी कि इसके अंदर इस तरह के सवालों के अंदर आप एक वास्ट नॉलेज अपनी अप्लाई कर सकते हो किसी भी आप कह लो कि जगह से अपनी नॉलेज उठा के यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो उन्होंने कहा भी करेक्टिस्टिक लिखनी है ऑर्गेनिक कंपाउंड की तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के करेक्टिक के अंदर बेशुमार चीज़ें ला डाल सकते हो ठीक है और क्योंकि वो लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपने डिटेल प्रोवाइड करनी है

अगर तो इसके दोनों साइड पे मैं ब्रोमीन लगा दूं कार्बन के ऊपर वाली तरफ ब्रोमीन लगा दूं और नीचे की तरफ हाइड्रोजन लगा हो तो ये होता है आपका सिस आइसोमर ठीक है और अगर मैं और अगर मैं क्या करूं कार्बन के एक तरफ इस इस वाले कार्बन के ऊपर ब्रोमीन लगाऊं और दूसरे वाले कार्बन के नीचे की तरफ ब्रोमीन लगाऊं तो ये होता है आपका ट्रांस आइसोमेरिज्म ठीक है अब जो सिर्स आइसोमेरिज्म है दैट इज लेस स्टेबल देन योर ट्रांस आइसोमेरिज्म ठीक है इट इज लेस स्टेबल देन योर ट्रांस आइसोमेरिज्म और यस दैट्स इट अच्छा देन वी हैव व्हाट इज रूल गिव वन एग्जांपल मार्कॉनिक रूल क्या होता है भाई मार्कॉनिफ रूल ये कहता है कि जब हम लोग एडिशन कर रहे होते हैं जब हम लोग एडिशन कर रहे होते हैं किसी भी अः uh, किसी भी न्यूक्लियो की जब हम एडिशन कर रहे होते हैं किसी भी न्यूक्लियो फाइल कहेंगे बल्कि जब हम एडिशन कर रहे होते हैं किसी भी न्यूक्लियो की इन योर अल्काइल हेलाइट ठीक है आर एक्स के अंदर सॉरी नॉट इन नॉट इन योर अल्काइल हेलाइट बट इन योर इन योर अल्कीन ठीक है और अल्किन्स भी कौन से वाले अनसिमेट्रिकल ठीक है जब हम लोग एडिशन करेंगे न्यूक्लियोफाइल की अनसिमेट्रिकल एल्कीन के अंदर तो होता क्या है क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के साथ हाइड्रोजन एटम भी होता है तो होगा क्या कि अल्कीन के अंदर जहां पे हाइड्रोजन एटम ज्यादा है वहां पे हाइड्रोजन एटम जाएगा और जहां पे हाइड्रोजन एटम कम है वहां पे न्यूक्लियोफाइल जाएगा ठीक है बस इतनी सी बात याद रखनी है मार्कोनिक रूल क्या कहता है कि जब हम लोग एडिशन करेंगे ऑफ अ न्यूक्लोफाइल इन अवर अल्कीन कौन सा अल्कीन अनिट्रिकल अल्कीन तो हाइड्रोजन ने वहां जाके लगना है जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा थे और न्यूक्लोफाइल ने वहां जाके लगना है जहां पे हाइड्रोजन कम थे ठीक है देन वी हैव एक्सप्लेन क्या होता है आपका ईपॉक्साइड बन रहा होता है ठीक है ईपॉक्साइड इज बेसिकली योर साइक्लिक ईथर ठीक है

ठीक है तो इथेनॉल की ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा एसिटल डिहाइट बनेगा फिर एसिटल डिहाइड की ऑक्सीडेशन करेंगे तो एसिडिक एसिड बन जाएगा और अगर इसे एसिडोन बनाना था तो अगेन इथेनॉल से ही हम लोग आगे जाके एसिटोन बना रहे होते हैं देन वट आर ऑर्थोपैरा एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बहुत आसान सवाल है ठीक है कोई मुश्किल नहीं है ऑर्थोपैरा और मेटा के अंदर बेंजीन रिंग के ऊपर अगर कोई सब्सिट्यूंट uh, अटैच है दिस इज योर बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग के ऊपर एक सब्सिट्यूट अटैच है ठीक है

और अगर वो इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग है तो इट इज मैटर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं भाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं आपके halides, al, uh, sorry, alkyl, uh, आपके अल्काइल 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 सॉरी रेडिकल्स रेडिकल्स ठीक है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इसके अलावा अगर बात करें आपके ओ OH एच की हाइड्रो ऑक्सिलइन की तो ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं एंड सो ऑन अगर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की बात करें तो आपके जो कार्बोनल ग्रुप्स होते हैं दे आर मेटा डायरेक्टिंग इसके अलावा आपका जो अमाइन है एन इट इज अगेन मेटा डायरेक्टिंग एंड सो ऑन ठीक है तो मेटा डायरेक्टिंग क्या करती है इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर लेती है रिंग को डीएक्टिवेट कर लेती है पैरा क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं और रिंग को एक्टिवेट कर देते हैं अच्छा जी अब एक दफा मैं क्वेश्चंस देख लेती हूँ और फिर आगे चलते हैं हम um, कब तक कवर करें इट्स डिपेंड अपऑन योर टाइम टेबल आई आई एम नॉट अवेयर ऑफ योर टाइम टेबल अगर अपना टाइम टेबल मुझे बता दो तो फिर मैं आपको uh, एक रफ़ सा टाइम टेबल बता सकती हूँ मतलब अगर अपना एग्जाम का टाइम टेबल बता दो तो मैं आपको एक रफ़ सा इस्केजुअल बता सकती हूँ कि जिस पर आप वर्क करके रिवाइज़ uh, कर सकते हो देखो रिविज़न नंबर ऑफ़ रिविजन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट ठीक है क्वालिटी ऑफ रिविज़न इज़ इम्पॉर्टेंट ये जरूरी नहीं है कि आप दो दफा रिवीजन करो तीन दफा रिवीजन करो जरूरी ये है कि अगर एक दफा भी रिवीजन की है और अगर अच्छे तरीके से की है तो दैट्स एन ठीक है अगर तो आपने बहुत अच्छे तरीके से हर एक चीज़ को साथ साथ पढ़ा था अगर आपने एक्टिव रिकॉल किया था हर एक चैप्टर का बार बार उसको याद किया था तो फिर तो रिवीजन की इतनी जरूरत भी नहीं पड़ती ठीक है लेकिन अगर आपको जरूरत है रिवीजन की तो रिवीजन रिवीजन एक ही दफ़ा करो और इतनी अच्छी करो कि फिर दोबारा अगर आप सिर्फ की पॉइंट भी देख लो ऊपर ऊपर से भी देख लो ना तो आपको सब कुछ रिकॉल हो जाए ठीक है एफ के लिए चैनल यूट्यूब चैनल लाइक एफ के लिए यूट्यूब चैनल बहुत सारे हैं Um, सर नसीम जुल्फार का है फ़ॉर केमिस्ट्री एंड योर इंग्लिश इसके अलावा आपका नीम हकीम है फॉर बायोलॉजी और 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 आपका फ़िज़िक्स अच्छा मैं क्या करती थी कि मैं ना ज़रूरी नहीं है कि आप अपने पाकिस्तानी चैनल्स देखो आप इंडियन चैनल्स भी इंडियन चैनल्स भी देख सकते हो फॉर एग्ज़ाम्पल फ़िज़िक्स वाला है तो वो जो है ना फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स और केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हैं उस चैनल पे। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट्स बनाने हैं तो आप वो वाले चैनल्स देख सकते हो जो आपका सिलेबस है ना वो सब सिमिलर होता है तो जो चीज़ आपके सिलेबस में नहीं है उसको स्किप कर दो और जो कॉमन है उसको जो है वहाँ से देख लो आ...

और की um, पॉइंट्स लिख लो और फिर जो है उनको रिकॉल कर लो अपनी बुक के बुक के अंदर से मैच करो जो जो बातें बुक के अंदर एक्स्ट्रा हैं उनको साथ से उनको साथ लिख लो और उनको याद कर लो जल्दी जल्दी जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं तो कहती हूँ जल्दी से हो जाएगा अच्छा जी चलो फिर देन लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स अवर टॉपिक अच्छा जी तो आपका शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए हाइड्रोकार्स uh, के अब बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तो नंबर वन इज़ एक्सप्लेन पीडियड ऑफ एसाइलेशन एंड हल्का इन डिटेल विथ मकैनिज्म ठीक है अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इसका मकैनिज्म के अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है लाइक इट्स द ईजीएसट थिंग ठीक है होता बस ये है कि बेंजीन रिंग के ऊपर के ऊपर मतलब और एलकाइलेशन so का मतलब है कोई भी एलकाइल ग्रुप यानी कि आर ठीक है अच्छा मैं बार बार आर लिख रही हूँ कहीं आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो आर का मतलब है आपके रेडिकल यानी कि सी एच थ्री मीथायल रेडिकल यानी कि सी टू एच फाइव इथाइल रेडिकल एंड सो ऑन ठीक है तो अगर तो कोई आर आके अटैच हो रहा है दैट मीन अल्काइलेशन और अगर आपका कार्बोनल ग्रुप के साथ आर आके अटैच हो रहा है तो दैट इज एसाइलेशन ठीक है तो ये बात हो गई अब अल्काइलेशन और एसाइलेशन में एक बात याद रखने वाली होती है दैट इज रिएजेंट रिएजेंट होता है आपका ए एल सी एल थ्री ट्राइक्लोराइड ठीक है तो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की प्रेजेंस के अंदर आपके बेंजीन रिंग के ऊपर ये जाके अटैच हो जाते हैं ठीक है और आपको आ, जो है वो अल्काइल बेंजीन और एसाइल बेंजीन दे देते हैं ठीक है ये तो सिंपल सी बात हो गई मैकेनिज्म की जहाँ तक बात है तो क्या होता है कि बेंजीन रिंग के अंदर रेजोनेटिंग रेजुने, रेजुने, स्ट्रक्चर्स बन रहे होते हैं बस वो याद रखने वाली चीज होती है ठीक है देन वी हैव एक्सप्लेन दी स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन अकॉर्डिंग टू अटोमिक और बाइटल थ्योरी अच्छा जी स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज वॉर्ड यूर है रिंग है ठीक है प्लेनर है Uh, एक ही प्लेन के ऊपर हेक्सागोनल है, रिंग है जो इसके अंदर कार्बन आइटम है दैट इज एस पी टू हाइबर्ड अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं और जो है वो इसके अलावा जो है जो आपकी ये दी थी जो एम ओ टी दी थी डेट इज़ आपका कीकल ने पेश की थी एम ओ टी उसके बाद उसके अलावा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं पेंदीन के दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं और जिसकी वजह से हम बीच में सर्कल भी बना देते हैं एंड

जब दोनों फिफ्टी फिफ्टी परसेंट होंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ग्रेटर हो जाएगी कार्बन के पास कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ग्रेटर होती है जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो जब जब हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा आपने ये कंसीडर करना है कि हाइड्रोजन क्या है एसिडिक हाइड्रोजन है ठीक है जब जब हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा हाइड्रोजन इज वॉट एसिडिक हाइड्रोजन तो जब हाइड्रोजन एसिडिक है तो वो इजीली हाइड्रोजन को लूज कर देगा और क्या कर लेगा रिप्लेस कर देगा हाइड्रोजन को किसी भी और चीज से टर्मिनल अलकाइन के अंदर एक और बात याद रखने वाली है कि क्या करता है ये टॉलिंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है और क्या करता है सिल्वर मिररर बनाता है जो कि सिल्वर मिरर टेस्ट के अंदर हम लोग डिस्टिंग्विश uh, भी कर रहे होते हैं टर्मिनल अलकाइंस को ठीक है टर्मिनल अलकाइंस क्या करते हैं आपका टॉलिज रिएजेंट योर अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट ठीक है अमोनिकल अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट ए जी एनओ थ्री के साथ क्या करता है रिएक्ट करता है और ये जो सी एच है ना दोनों तरफ से आपका ये बन जाता है ये वाला मॉलिक्यूल बन जाता है दिस इज योर सिल्वर एसिटाइलाइट ठीक है सिल्वर एसिटाइलाइट बन जाता है और ए, क्या होता है कि आपको एक सिल्वर मिरर नजर आता है ठीक है तो आ, इससे हम क्या डिस्टिंग्विश करते, है? करते हैं इसके हम टर्मिनल इज आइसोमरिज्म जोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आइसोमैरिज्म अ प्रॉपर्टी इज अ फिना ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है इसके अंदर भाई मॉलिक्यूल्स के जो मोलिक्यूलर फॉर्मूला होता है दैट इज सिमिलर बट देर स्ट्रक्चर इज डिफरेंट ठीक है तो आपका कैसे डिफाइन करोगे मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला आर आइसोमर्स द आइसोम इज आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज अ टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म जिसके अंदर जो है ना हम लोग ओरिएंटेशन देखते हैं ठीक है मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को दो तरह से हम लोग क्लासीफाई uh, करते हैं नंबर वन इज योर सिस्ट्रॉन्स एंड नंबर टू इज योर ऑप्टिकल यस तो आपका जो है वो दो तरह से हम लोग इसको वो कर रहे होते हैं तो इनको भी आप आगे जाके फर्दर डिफाइन करोगे भी सिस्ट्रांस क्या होते हैं उसकी एग्जांपल क्या होती है ऑप्टिकल क्या होता है उसकी एग्जांपल क्या होती है ऑप्टिकल के अंदर लेबोरोटेट्री होता है डेक्सोरोन वीव एलकाइल लाइट्स और रोमाइंस भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है ठीक है लेकिन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसके अंदर जो करने वाली चीज है दैट इज योर एस वन एंड ईवन मैकेजम एंड एस टू एंड ई टू ठीक है um, अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई अच्छा जी मिथाइल अमाइन इज स्ट्रॉगर बेस देन अमोनिया अमोनिया इज योर एन एच थ्री ठीक है एंड मिथाइल अमाइन इज योर सी एच थ्री एन एच टू ठीक है अब क्या होता है अमोनिया नाइट्रोजन के पास एक अद्रत तो होता है लोन पेयर आपको पता है यहाँ पे नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है और अमोनिया क्या है अमोनिया इज अ लेविस बेस लेविस बेस का क्या काम है भाई इट इज एन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है तो जो मिथाइल अमाइन है ना वो ज्यादा इजिली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा एज कम्पेयर टू योर नॉर्मल अमोनिया ठीक है दैट इज वाई मिथाइलम आइन इज योर मोर आपका बेसिक uh, अच्छा हाउ वुड यू प्रिपेयर डाइजोनियम सॉल्ट डाइजोनियम सोल्ट क्या होता है आपका बेसिकली अल्काइल हिलाइट से ही बन रहा होता है ठीक है और उसके अंदर आपका जो नाइट्रोजन होता है वो बेसिकली ट्रिपल कोविलेंट बॉन्ड बना लेता है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और साथ में आपके पास एक अदर एन आयन बन जाता है ठीक है तो आपको पता है सोल्ट के अंदर क्या होता है एक कैटाइन होता है पॉजिटिव आयन और एक एन आयन होता है

इसका रिएक्शन करवाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आपको क्या मिलेगा आपको मिलेगा योर कार्बोक्सिलिक एसिड ठीक है अच्छा और किस वाले वालेजन का रिएक्शन करवाओगे तो आप लोग मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का रिएक्शन करवाओगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो आपको दो कार्बन वाला यानी कि एसिटिक एसिड मिलेगा दो कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा ठीक है अच्छा जी देन राइट डाउन द डिफरेंसेस बिटवीन एस एन वन एंड एसन टू मैकेसएनिज्मी मोलिक्यूलर बाय स्टेप ठीक है इसके अंदर क्या होते हैं टू स्टेप्स होते हैं इसके अंदर क्या होता है वन स्टेप होता है स्टेप की बात हो रही है ये क्या होता है एक मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करता है ठीक है एक मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करता है ये क्या करता है दो मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड करता है इसका रेट ऑफ रिएक्शन सही है इसके अलावा जो एसएन1 मैकेनिज्म है इट इज फेवर्ड बाय योर व्हाट टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स

क्या होगा कि एक मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है लेकिन दो स्टेप होती हैं सबसे पहले कार्बो कार्बोकैटाइन बनता है और दूसरे स्टेप में न्यूक्लोफाइला आके अटैक होता है अटैच हो जाता है ठीक है और इवन इवन मैकेनिज्म इवन इज बेसिकली और मैकेजमेलीशन रिएक्शन आल्सो नोन एज बीटा हाइड्रोजन इलिमिनेशन रिएक्शन ठीक है बीटा हाइड्रोजन इसलिए कहते हैं क्योंकि बीटा हाइड्रोजन इलिमिनेट होता है सही, सही है और बीटा हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ क्या इलिमिनेट होगा आपका हेलाइड इलिमिनेट होगा और आपको क्या मिलता है आपको एच मिलता है सही है और साथ में आपको क्या मिलता है इथिन मिलता है तो हमेशा जब भी इलिमिनेशन रिएक्शन होगी आपको इथिन मिलेंगे यानी कि अल्किन मिलेंगे और साथ में आपको अपना हेलोजिन मिलेगा और इन के अंदर भी सेम सेम होता है आपका पहले मॉलिक्यूल पर डिपेंड करेगा कार्बो कैटाइन पर डिपेंड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन देन इट इज फेवर्ड बाई योर एंड सो ऑन अच्छा uh, अच्छा एस एन टू और इ टू बिल्कुल उलट है दोनों का सही है बिल्कुल सेम प्रोसीजर्स uh, हैं

बल्कि सॉरी अगर ये फॉर्मल डी के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा वन डिग्री अगर बाकी तमाम एल डी के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा टू डिग्री और अगर कीटोन के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा थ्री डिग्री ठीक है कौन सा क्या बनाएगा एल्कोहल बनाएगा अच्छा अगर ईस्टर के साथ रिएक्ट करेगा तो एसिडोन बनाएगा कीटोन बनाएगा और फिर उसके बाद दोबारा से एसिडोन रिएक्ट करेगा तो आपको पता है जब कीटोन रिएक्ट करेगा तो एल्कोहल बनेगा तो मैकेनिज्म बहुत इजी होता है जब आपका जो आर एम जी जो आपका एल्टी हाइटी हाइड्स के अंदर कार्बोनिल ग्रुप होता है ठीक है बस एक बात याद रखनी है कि कार्बोनिल ग्रुप का ये वाला जो बॉन्ड है ना ये वाला बॉन्ड ये बॉन्ड टूट जाता है और एडिशन प्रोडक्ट बनता है ठीक है और फिर उसके बाद आपका यहाँ पे एम जी बी आर लग जाता है एंड सो ऑन दैट इज अबाउट योर अल्काइल एल्का नेक्स्ट वी हैव अल्कोहल्स एल्कोहॉल्स एंड ईथर्स अभी इतना ज्यादा रहता नहीं है सो so यस yes. अगर कोई क्वेश्चन है तो साथ साथ लिखते जाओ चैट बॉक्स में uh,

तो ये इसका रिएजेंट होता है ये याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है क्या करेंगे हम लोग रिएजेंट उठाएंगे इसका रिएक्शन करवाएंगे अगर तो हम लोग रिएजेंट प्लस एल्कोहल तो क्या होता है ऑयली लेयर बनती है इमिजिएटली ठीक है ऑयली लेयर फॉरन से बन जाती है इसका रीजन ये होता है कि जो आपके टर्शियर टर्शरी एल्कोहल्स होती है ना ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव तो होते हैं इसके बाद अगर हम बात करें आपके अः किसकी अः

और जो टर्शरी अल्कोहल्स हैं वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती हैं आइसोप्रोपाइल है, है। तो में क्या होगा ऑयली लेयर पांच मिनट बाद बनेगी और इथाइल एल्कोहल में क्या होगा ऑयली लेयर हीट करने पर बनेगी देन हाउ कैन वी ऑप्टेन एसिटल डिहाइट फ्रॉम दी अल्किन फ्रॉम एल्कोहल्स सिंपल सा हमने अभी ऊपर देखा जब को क्या करवाते थे ऑक्सीडेशन करवाते थे तो क्या मिलता था एसिटल डिहाइड मिलता था अल्कोहल्स की एसिटल uh, डिहाइड की ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा एसिटिक एसिड मिलेगा और फिर एल्कोहल्स की ही दोबारा से ऑक्सीडेशन होती है इन डिफरेंट मैथड तो एसिडोल मिल रहा होता है राइट द डिफरेंसिस बिटवीन एल्कोहॉल्स एंड अच्छा जी बहुत ईजी हैव नंबर वन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है दैट इज अल्कोहल्स क्या होते हैं आर ओ एच होते हैं ठीक है आर ओ एच का मतलब है पीछे रेडिकल लगा होगा और साथ में कार्बोक्सिलिक सॉरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होगा फिनोल्स में क्या होता है फिनोल्स में होता है आपका बेंजीन रिंग सी सिक्स एच फाइव सी सिक्स एच फाइव ओ एच इज योर फिनोल ठीक है तो फिनोल में क्या होगा एराइल रिंग होगा और एल्कोहल में एल्काइल रिंग होगा

पहली बात तो ये याद रखो कि जो ईथर्स हैं ना दे आर लीस्ट रिएक्टिव ईथर्स को हम लोग एज अ रिएजेंट एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल कर रहे होते हैं लेकिन सम टाइम्स ईथर रिएक्ट करते हैं किसके साथ रिएक्ट करते हैं आपके हेलोजिन के साथ रिएक्ट करते हैं हेलोजिन के साथ रिएक्ट करके आयोडो इथेन बना रहे होते हैं ठीक है अच्छा देन वी हैव अल्काइल अल्काइल हैलाइड्स हैलाइड्स कैन बी इनटू ईथर्स को ईथर में कैसे कन्वर्ट करेंगे वी हैव अवर एल्काइट आर एक्स ठीक है इसका रिएक्शन करवाएंगे एल्कोहल के साथ आर ओ एच के साथ ठीक है तो क्या होता है आपका जो आर एक्स वाला बॉन्ड है ये यहाँ से टूटेगा और जो आर ओ एच वाला बॉन्ड है ये यहाँ से टूटेगा ठीक है और आपको आर ओ आर एक साथ मिलेगा और एच एक्स एक साथ मिलेगा ठीक है इसके अंदर क्या होता है ये पार्शियली नेगेटिव ये पार्शियली पॉजिटिव होता है ये पार्शियली पॉजिटिव होता है ये पार्शियली नेगेटिव होता है तो आर ओ आर मिल जाता है दैट इज योर ईथर और साथ में आपको मिलता है एच एक्स ठीक है

मैं सबको कह रही हूँ इजी है इजी है लेकिन इट इज़ इजी अगर आप लोग पढ़ोगे और अगर आपके पास कम टाइम है ना तो आई वुड रिकमेंड कि ये वाले सारे सवाल कर लो इन आपका पेपर अच्छा हो जाएगा अगर कम टाइम है तो अदरवाइज क्या नाम है आपका जो बाकी के चैप्टर्स हैं फॉर एग्जाम्पल इन्वायरमेंटल एनालिटिकल तो उसके अंदर से भी जो है ना क्वेश्चन कर लेना फॉर एग्जाम्पल आपका ग्लोबल वार्मिंग वगैरह क्वालिटेटिव टेस्ट क्वानिटेटिव टेस्ट एक्सेट्रा अच्छा एंड कीटोन आपका एल्टीहाइड्स क्या होते हैं कार्बोनिल ग्रुप होते हैं क्या होता है इसके अंदर कार्बोनिल कार्बन इसके पास एक तरफ रेडिकल uh, और दूसरी तरफ हाइड्रोजन कीटोन्स में कार्बोनिल कार्बन और दोनों तरफ रेडिकल होता है ठीक है अच्छा हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश इथेनॉल फ्रॉम इथेनॉल फ्रॉम योर वॉट आयोडोफॉर्म टेस्ट ठीक है आयोडोफॉर्म टेस्ट से जो है वो हम लोग ईजिली इथेनॉल को और मीथेनॉल को डिस्टिंग्विश कर लेते हैं रीजन क्या है भाई

सिल्वर नाइट्रेट ठीक है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्या होता है जब हम लोग बेसिकली uh, क्या होता है आपके एक होते हैं एल्डीहाइड्स और कीटोन्स ठीक है एलडीहाइड्स और कीटोन्स के अंदर जो एलडीहाइड्स है ना दे कैन ईजीली बी ऑक्सीडाइज बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बट कीटोन्स कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कीटोन्स कैन ओनली बी ऑक्सीडाइज बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ठीक है तो आपके एल्डिहाइड्स को तो आसानी से माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से क्या होते हैं uh, 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 वो हो जाते हैं रिड्यूज हो जाते हैं ठीक है सॉरी ऑक्सीडाइज uh, हो जाते हैं तो इसके अंदर क्या होगा आपका एल डी हाइट्स के अंदर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर एग्जांपल हम लोग सिल्वर मिरर टेस्ट करते हैं सिल्वर मिरर के अंदर क्या होता है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है लेकिन कीटोन क्योंकि स्ट्रॉन्ग से होगा हमेशा के एम एन ओ फोर एटसेट्रा से होगा के एम एन ओ फोर प्लस एच टू एस ओ फोर से होगा तो ये जो है ना कभी भी सिल्वर मिरर टेस्ट पॉजिटिव नहीं देता ठीक है सिल्वर मिरर टेस्ट कभी भी पॉजिटिव नहीं देगा एल डी हाइड्स पॉजिटिव देंगे क्योंकि एल डी हाइड कैन ईजिली भी ऑक्सीडाइज बाई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ठीक है तो uh, क्या करते हैं हम लोग नीचे नीचे अगला सवाल वही लिखा हुआ है कि हाउ कैन यू डिस्टिंग बिटवीन एल डी हाइड एंड और इसके अलावा आपका बेनीटिक टेस्ट होता है ठीक है एंड सो ऑन अच्छा जी वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लामसन एंड गोल्फनर रिडक्शन अच्छा इसके अंदर क्या होता है कि एल डी हाइड्स और कीटोन्स की रिडक्शन हो रही होती है और बन रहा होता है आपका अल्कीन ठीक है दोनों के अंदर अल्किन्स बनते हैं बस फर्क ये होता है कि जो क्लेमेंसन है दैट इज आय बेसिक एंड योर वुल्फ क्रिशनल इज योर एसिडिक ठीक है लेट मी इट अगर मैं कहीं उल्टा तो नहीं बोल मैं हमेशा इसको उल्टा कर देती हूँ यस yes, uh, जी हाँ मैंने उल्टा कर दिया था क्लेमेंसन इज योर

और एक मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसके अंदर एल्कोहल भी होता है और साथ में आपका कीटोन या फिर एलडी भी होता है ठीक है तो एल्डोल के अंदर क्या होता है बेसिकली एल्डोल इज अ मॉलिक्यूल दैट कंटेन एल्कोहलिक ग्रुप एज वेल एज कीटोनिक और एलडी ग्रुप ठीक है एल्डोल के अंदर क्या होगा एल्कोहलिक ग्रुप होगा साथ में एल ग्रुप होगा और कीटोल के अंदर आपका कीटोनिक ग्रुप होता है और साथ में एल्कोहलिक ग्रुप होता है ठीक है अच्छा जी विच कंपाउंडारोज रिएक्शन गिव इट्स अच्छा कौन से कंपाउंड अंडर को करते हैं तो आपका फॉर्मल डीहाइड करता है और आपका बेंजल डीहाइड करता है ठीक है ये दो करते हैं सिर्फ और सिर्फ ये दो करते हैं क्युं? क्यों क्योंकि इनके पास आपका होता है बीटा इनके पास बीटा हाइड्रोजन नहीं होता ठीक है तभी ये कैनिजारो रिएक्शन करते हैं कैनिजारो रिएक्शन के अंदर क्या होता है बेसिकली आपका आ, जो है वो बीटा हाइड्रोजन सॉरी कैनिजारो रिएक्शन के अंदर क्या होता है बेसिकली Your, आपका एक बन रहा होता है कार्बोक्सिलेट आयन और साथ में अल्कोहल की फॉर्मेशन हो रही होती है ठीक है तो कौन करेगा फॉर्मल्डिहाइड करेगा और बेनजल करेगा तो दैट इज ऑल अबाउट योर एल्डिहाइड्स एंड की अब एक दफा मैं क्वेश्चन देख लेती हूँ एनी क्वेश्चन प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स सो दैट आई कैन आंसर यू कैटलिस्ट भूल जाते हैं uh, देखो कैटलिस्ट याद करने की ट्रिक ये है कि आपका जो uh, आप बस ये याद रखो कि रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं फॉर uh, एग्जाम्पल हमारा जो कैटलिस्ट है प्लेटिनम uh, लेड और निकल ये तमाम इस्तेमाल हो रहे होते हैं जब भी हम लोग uh, जो है ना एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करते हैं ठीक है जब भी हाइड्रोजनेशन करते हैं तो आपका निकल इस्तेमाल होता है वेनीडियम इस्तेमाल होता है इसके अलावा जब हम लोग ऑक्सीडेशन करवाते हैं जब हम लोग एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करवा रहे हैं किसके अंदर सल्फर के अंदर तो क्या इस्तेमाल हो रहा है क्या इस्तेमाल हो रहा है आपका वेडियम पेंटा ऑक्साइड इस्तेमाल हो रहा है क्यों क्योंकि क्यों, उसके क्यों, अंदर ऑक्सीजन मौजूद है तो बस ये बात याद रखो कि कुछ कुछ ऐसे हैं कि जिनके अंदर तो नाम से ही पता चल जाता है वेनिडियम पेंटा है ऑब्वियसली ऑक्सीजन की एडिशन करवाएगा आ, लेकिन निकल है निकल के अंदर क्या होता है कि बेसिकली निकल की वाइड्स के अंदर आपका हाइड्रोजन होता है एटॉमिक हाइड्रोजन

अल्कोहोलिक ग्रुप ठीक है क्वेश्चन uh, देख लेते हैं एक्सप्लेन एसिडिटी ऑफ कार्बोक्लिक एसिड भी कार्बोक्सैलिकाहिर है कार्बोक्सैलिक एसिड जो है ना वो एसिडी की नेचर होते हैं क्यों क्योंकि इनके अंदर जो ये वाला uh, हाइड्रोजन होता है ना ये वाला हाइड्रोजन इट इज बेसिकली पॉजिटिव पार्शियली पॉजिटिव और जब भी पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन देखो दैट मीनस इट इज एसिडिक हाइड्रोजन ठीक है तो वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है वो हाइड्रोजन लूज करते हैं इन एनी एक्विस मीडियम ठीक है जिसकी वजह से क्या होते हैं एसिडिक होते हैं देन यूवर रिएक्शन शोइंग ड्राइ डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सोल्ट ऑफ कार्बोक् एसिड ठीक है वी हैव कैल्शियम एसिडेट कैल्शियम एसिडेट क्या करता है कि ड्राइडिस्टिलेशन में कैल्शियम uh, कार्बोनेट बनाता है और साथ में क्या बनाता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं एंड सेकेंड यस कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा और साथ में बनाता है एसिडोन ठीक है तो दो बातें याद रखनी है क्या बनेगा आपका एसिटोन बनेगा और साथ में कब बनेगा सी एस थ्री ठीक है देन वी है कार्बोक्सैलिक एसिड या फिर आप कह लो एसिटिक एसिड भी प्रिपेयर फ्रॉम रेग्न रिएजन नाइट्राइल एंड एल्कोहल्स एल्कोहॉल्स की क्या करवानी है भाई ऑक्सीडेशन करवानी है

बल्कि इस इस तरफ तरफ भी भी और ठीक है. अब का जब रिएक्शन करवाएंगे वाटर के साथ तो हाइड्रोलिसिस हो जाएगी ठीक है एक तरफ आपका बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरी तरफ आपको बनता है दूसरी तरफ आपको मिल रहा होता है योर एल ठीक है अच्छा एल्कोहल्स के साथ करवाएंगे तो अगेन कार्बोक्लिक एसिड्स मिलते हैं अमाइन के साथ करवाते हैं तो अमाइड मिलता है और कार्बोक्सैलिक एसिड मिलता है ठीक है दो दो प्रोडक्ट मिलते हैं अच्छा अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो वी हैव फिशर स्टेडिफिकेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कार्बोक्सैलिक एसिड्स का क्या होता है इसके अंदर बेसिकली आपका कार्बोक्जेलिक एसिड रिएक्ट करता है एल्कोहल्स के साथ ठीक है और बनाता है ईस्टर्स ठीक है ईस्टर्स एंड वाटर ठीक है और ये जो रिएक्शन होता है बेसिकली बल्कि एक काम करती हूँ इसको मैं दूसरे कलर से लिख देती हूँ बिकॉज बहुत ज्यादा हो गया वी हैव कार्बोक्सिलिक एसिड्स प्लस वी हैव अवर एल्कोहोल्स रिवर्सिबल रिएक्शन होता है हमारे पास ईस्टर्स बनते हैं और साथ में वाटर बनता है ठीक है इन द इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर डाई ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा होता है ठीक है तो ईस्टरीफिकेशन के अंदर क्या होता है बेसिकली प्रोडक्शन ऑफ योर ईस्टर होती है ठीक है और क्या होता है कार्बोजैलिक एसिड और अल्कोहल के अंदर से वाटर का मॉलिक्यूल लूज हो रहा होता है और ईस्टर बन रहा होता है तो इसको आप लोग डिफाइन कर सकते हो इन डिटेल एज वेल क्योंकि इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा लंबा होता है तो मैकेनिज्म लिख के डिफाइन कर सकते हो दैट्स ऑल फ्रॉम टूडेज लेक्चर आई होप आपको ये लेक्चर हेल्पफुल रहा होगा इनशाला uh, मेरी बहुत सारी दुआएं आप लोगों के साथ कि आप लोगों के इनशाला एफ एस सी के एग्जाम्स बहुत अच्छे हो बिकॉज हमारा जो आगे जाके जो टेक्स्ट होता है बेसिकली एम डी कैट के लिए एफ एस सी के जो मार्क्स होते हैं वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं आ, आ, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं टू मेक अवर मेरिट हाई बिकॉज एज वी नो गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर बहुत ज़्यादा हाई जा रहा होता है मैरिट सो येस दैट फ्राम टू डेज लेक्चर आई होप आपको अच्छा लगा होगा अल्लाह हाफिज़